अरहर की जैविक और उन्नत खेती किसान कैसे करें? पिजन पी किसान घर पर या खेत पर कैसे लगाएं? हेलो दोस्तों, मैं लतीफ कुरैसी, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लतीफ कुरैसी बेस्ट गार्डनिंग। आज इस वीडियो में हम अरहर की जैविक और उन्नत खेती कैसे करें इसके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आप भी अपने खेत से अरहर का अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। उससे पहले एक गुजारिश है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पिजन पी या अरहर की जैविक या उन्नत खेती कैसे करें। अरहर की खेती करने से पहले आपको सबसे पहले भूमि का चयन करना चाहिए। इसमें हम बता दें कि अरहर की खेती बलुई दोमट या दोमट भूमि में अच्छी तरीके से उत्पन्न होती है। इस भूमि का जल निकास का उचित प्रबंधन आपको रखना चाहिए और जिसका पीएच मान उदासीन रहता हो वहाँ पर अरहर की खेती अच्छी उत्पादन देती है। अरहर की खेती को आप लवणीय या क्षारीय भूमि में इसकी खेती ना करें क्योंकि यहाँ पर उत्पादन कम प्राप्त होगा। अरहर की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु चाहिए वह हम बता दें। फसल की प्रारंभिक अवस्था के समय जो वृद्धि के लिए आपको नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में अरहर की फसल सफलतापूर्वक उगाई जा सकती है। इसके लिए आपको आर्द्र तथा शुष्क दोनों प्रकार के इलाकों में अरहर की खेती कर सकते हैं, लेकिन यदि शुष्क भागों में इसे हल्की हल्की सिंचाई देने की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। खेत की तैयारी। किसान भाइयों, खेत की तैयारी करने के लिए रबी फसल की कटाई के बाद एक बार गहरी जुताई अवश्य कर देना चाहिए। उसके बाद दो से तीन बार आपको देसी हल से जुताई करने के बाद पाटा लगाकर जो मिट्टी के ढेले रहते हैं उनको तोड़कर मिट्टी को भुरभुरा कर लेना चाहिए और खेत को समतल कर देना चाहिए। बरसात के दिनों में आपके खेत में जल निकास का उचित प्रबंधन अवश्य रखना चाहिए। किसान भाइयों, यदि आप जैविक खेती अरहर की कर रहे हैं तो आपको देसी या स्थानीय किस्मों को ही चयन करना चाहिए क्योंकि यह किस्म जलवायु के अनुकूल होती हैं और साथ ही साथ रोग एवं कीटों के लिए प्रतिरोधक भी होती हैं। अरहर की कुछ उन्नत किस्मों के बारे में मैं आपको यहाँ पर नाम बता देता हूँ, पर आपको अपने इलाके के अनुसार ही किस्म का चयन करना है। इसमें हैं बसंत, नरेंद्र वन, खरगोन टू, जवाहर फोर, शारदा, मुक्ता आदि कई किस्में हैं जो आपको बाज़ार में अरहर की देखने को मिल जाएंगी। आप अपने जलवायु और भूमि के अनुसार किस्म का चयन कर अपनी खेती के लिए बीजों का चयन करें। बुवाई का समय। यदि किसान भाइयों आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो 1 से 15 जून के बीच में आपको अरहर की बुवाई कर देना चाहिए। यदि आप वर्षा पर निर्भर हैं तो आपको जुलाई के प्रथम सप्ताह से लेके द्वितीय तृतीय सप्ताह तक इसकी बुवाई कर देना चाहिए। बुवाई में यदि आप लेट होते जाएंगे तो आपकी उपज पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बीजों को बोने से पहले बीज उपचारित अवश्य कर देना चाहिए। बीजों को उपचारित करने के लिए राइजोबियम कल्चर और पीएसबी का कल्चर आपको अवश्य बीज उपचार करके ही बीजों को बोना चाहिए। यदि आप जैविक खेती कर रहे हैं तो आपको 4 से 6 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद अपने खेत में जुताई के समय मिला देना चाहिए। इसके अलावा केंचुए की खाद, जिसको वर्मी कंपोस्ट कहते हैं, वह भी आपको 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर अपने खेत में मिला देना चाहिए। यदि आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 15 से 20 किलोग्राम नत्रजन, 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और 20 से 25 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी। अरहर की खेती में फसल सुरक्षा कैसे करें? यदि आप जैविक खेती कर रहे हैं तो आपकी फसल पर जो लगने वाले कीट हैं
उनकी आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं। इसमें मैं प्रमुख कीट बता दूं आपको, फली छेदक इसका प्रमुख कीट है। इसके अलावा फल मक्खी एवं पत्ती लपेटक कीट इसके प्रमुख कीट होते हैं। इनकी रोकथाम के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत सारी जैविक कीटनाशक दवाइयों के बारे में मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है। आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर जैविक कीटनाशक देख सकते हैं और उन दवाइयों का प्रयोग आप अपनी अरहर की फसल पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा उकटा रोग एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए आप बुवाई के समय ट्राइकोडर्मा बेडी को 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खाद के साथ उपयोग करें तो आप उकटा और कई बीमारियों से अपनी फसल का बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप रासायनिक रोकथाम करना चाहते हैं तो पत्ती लपेटक के लिए आप क्यूनोलफॉस 25% ईसी का 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। थ्रिप्स जो लगती है उसका भी आप इसी प्रकार नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लिए डाइमेथॉइड 30 cc 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर सकते हैं। अरहर की फली छेदक के लिए आप रासायनिक नियंत्रण करने के लिए आप फेनवर्लेट 0.4% 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का भुड़काव आपको कर देना चाहिए। इसके अलावा क्यूनोलफॉस 25 cc का 2 लीटर का घोल 500 से 600 लीटर पानी में घोल बनाकर आपने खेत में छिड़क देना चाहिए। अरहर में बंजा रोग बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए आप रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें और रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा आप इमिडाक्लोरपिड का छिड़काव अपने खेत में करने से इस रोग से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं और अपनी फसल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अरहर की उपज, अरहर अपनी किस्म के अनुसार 120 से लेके 235 दिन तक की फसल होती है। अगेती फसल नवंबर दिसंबर में और देर से पकने वाली किस्म मार्च अप्रैल में काटी जाती है। इस प्रकार आप पूरी प्रक्रिया करके अरहर का जो उत्पादन है वह प्राप्त कर सकते हैं। अरहर का उत्पादन 1 हेक्टेयर में आपके 18 से लेके 35 कुंटल तक उत्पादन इसका प्राप्त किया जा चुका है और आप भी इस प्रकार अपने खेत से अरहर का उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ 60 से 70 कुंटल इसके डंठल भी आपको प्राप्त होते हैं जो कि बहुत ही काम के होते हैं और इससे बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे चटाई बनाना, डलिया बनाना, इनके डंठलों से ही कार्य किया जाता है। जब इनके दानों में 10% नमी रह जाए तब आप इसका भंडारण कर रख सकते हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।